अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद है रोजे के अंदर सैयद मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह, और फिर से मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और हमारे साथ आज जो कि हम वीडियो देखने वाले हैं, चूँकि रमज़ान जो है वो बिल्कुल अब स्टार्ट होने वाला है और हम लोगों ने अब से अगले एक महीने तक रोजे रखने इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, जिस तरीके का हमारे जो इर्द गिर्द मौसम चल रहा है तो सही लग पता जाना है हम लोगों को, लेकिन क्योंकि हमें रखने और हम पे ये वाजिब और फ़र्ज़ है तो हम उसको इंशाल्लाह वो बखूबी वो वक्त भी निकल जाएगा। और क्योंकि आप रमज़ान शुरू होने वाला, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी कोई इवेंट एक आ रहा हो उससे पहले उससे रिलेटेड हम कुछ देखें और आपसे उसके बारे में कुछ बात की जाए, तो उसी के चलते आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं। और हाँ अच्छा, उससे पहले क्या कहते हैं, आप तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम मुसलमान भाइयों को जो दुनिया के किसी भी हिस्से में है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ पर इंशाल्लाह बुध से शायद रमज़ान शुरू हो रहा है, हम उसे एक दिन पहले ये वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी से रोज़ा शुरू नहीं हुआ है, तो हमने कुछ सोचा कि रमज़ान में कुछ, क्योंकि शुरू शुरू में अब गर्मियाँ बहुत खतरनाक पड़ रही हैं हमारे कराची में अभी और दूसरी जगह पर भी पड़ रही होंगी गर्मियाँ, तो हमने कहा कुछ वीडियो हम रमज़ान से पहले शूट कर रहे हैं, इसमें वीडियो सॉन्ग्स वगैरह इस टाइप के हैं ताकि हम जस्टिफाई कर सकें रोज़ा हमारा थोड़ा सा भ्रष्ट ना हो ना। तो अब तो इंशाल्लाह रमज़ान तो हमारी टाइमिंग शायद मेरे ख्याल में अफ्तारी के बाद हुआ करेगी शूट की ना इंशाल्लाह, तो अब रात पे क्या करेंगे, मगर ये लास्ट हमारा जो आपको शूट कर रहे हैं वो हम डे में कर रहे हैं रमज़ान से एक आध दिन पहले। तो पहले सबसे सब भाइयों को रिएक्शन तरफ से, रमज़ान मोमिन तरफ से, शाकिर की तरफ से और रिजवान की तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो, सब ने रोज़े रखने हैं बिल्कुल ताकीद के साथ और दूसरों का भी एहतमाम करना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखना है। तो रोज़े का जो मफहूम है कि आप अपनी उस इबादत को कि आप भूखा और प्यासा लेके देखें कि उन गरीबों का एहसास करें जो जिनको आम दिनों के में आम हालात के अंदर उनको खाना पेट भर खाना नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता, तो ये एहसास है, ये एहसास जगाने के लिए। तो ये वक्त हर साल हमारे दीन इस्लाम में होती है ताकि हम उनको उनका एहसास कर सकें भूखा प्यासा रह के। तो उसी हवाले से हम एक बहुत खूबसूरत सी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका बताएंगे हमारे मोमिन भाई बताएंगे कि क्या है। हम देखने वाले हैं आशिकीन की एक वीडियो है जो कि उन्होंने आज से मेरे दो साल पहले बनाई थी, लेकिन क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड है तो हम वो वीडियो देखते हैं कि क्या उसमें उन्होंने कहा, कहने की कोशिश करी और बाकी बातें करते हैं बाद में। तो है अभी अभी बताती हूँ तुमको, मैं बहुत शैतान हो गए हो तुम, अभी मारा भी नहीं और एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करेगा हाँ? ये बनेंगे, ये हीरो बनेगा, हीरो बनेगा है? मैं मेरे रोजा है रोजा है, इसलिए होमवर्क नहीं किया। जा बेटा क्लास में जा है? हाँ इसे चला लियो ठीक है, और ये नाइन्थ बी सबसे गंदी क्लास है। ओ भाई दर्द हो जाता था, पागल है क्या? वो तो बहुत हडिम्बाजा बचने के लिए था, रोजे में होमवर्क नहीं किया पता ना। तुम्हें पता तो है रमजान चल रहे हैं यार, रोजों में कहां ही पार्टी होगी। गाइस मेरी नौकरी लग गई। वो पार्टी यार, तुम्हें पता तो है रोजे चल रहे हैं, पार्टी यार तुम्हें पता तो है रमजान चल रहे हैं। अरे गाइस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, चलो ना पार्टी करते हैं। यार आज गर्मी कितनी है यार। हाँ यार, पर कल से तो रमजान भी शुरू है। रमजान मतलब 30 दिन? हाँ 30 दिन रोजे, उसके बाद ईद। हाँ ईद में चिकन मटन बिरयानी। यार 30 दिन कुछ नहीं खाएगा? नहीं। अबे पानी भी नहीं पिएगा? अरे सीधे नमक वाले चिप्स, तुम लोग ये भी नहीं खाते? नहीं हम लोग तो खाते हैं। इसमें क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी है, मैं भी रख सकती हूँ। ये भी नहीं खाते और मैं तो खाने के लिए रह ही नहीं सकता यार। चलो गाइस इस बार हम सब रोजा रखते हैं। हाँ यार। ओ ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है जरूर लंच खोला है। आज न छोड़ूंगा तुझे, सुन क्या समझ
तेरा तो रोजा होगा, तो कुछ खाया सुबह से? क्या बोला, क्यों नहीं कुछ तूने? यार तू नहीं समझेगा। तो मैं क्यों नहीं समझूंगा, बताएगा मुझे? यार कुछ होता है तू नहीं समझेगा। भाई बोलेगा जब देख के बात करेगा मुझसे? तू नहीं समझेगा यार। जब देख के बात कर। अबे कहा था ना नहीं समझेगा। अबे यार रोजों में ब्रश भी नहीं करते, तभी तो बात करी मैंने उससे। मर गया क्या? रुक माउथ टू माउथ देता हूँ। क्या तू लैपटॉप लेके बैठा हुआ? अच्छा तू लंच ले आया? हाँ हाँ तू खा ले। क्यों क्या हो गया? अरे रमजान चल रहा है यार, मेरा रोजा है, तू खा। ओ हाँ अच्छा रमजान चल रहा है। और सुना घर में सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ सब बढ़िया है। और यार घर से मुझे कुछ याद आ, ओ शिट क्या हुआ यार? घर से याद आया मुझे कॉल करनी थी अर्जेंट, मैं कॉल करके आता हूँ। एक काम करना तू इतना मैं लंच कर ले, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, तू लंच कर मैं आता हूँ। ठीक है भाई। तो क्या हाल है, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर पसंद आई तो यहाँ पे थम्स अप बटन होगा उसको क्लिक कर देना, वीडियो लाइव हो जाएगी। कमेंट करके बताना यार कैसी लगी। भाई बहुत शानदार बिल्कुल। ये ही एक तरीकार है रमज़ान का कि 30 दिन हम सब रोज़े रखते हैं। और मैंने कहा था ना कि सब एहसास दिलाने के लिए, और बहुत हिंदुस्तान में तो खैर बहुत ही खूबसूरत एक एहसास नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में तो 90% सारे मुसलमान होते हैं तकरीबन रोज़े रखते हैं, कुछ हमारे में भी कुछ ऐसे जो रोज़ा खा जाते हैं। तो बहरहाल मतलब वहाँ तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि उनके बीच के दरमियान वो लोग उनका एहसास करते हैं, वो प्यार करते हैं और उनकी उसके जो मजहबी रसूमात होती हैं उनका एहतराम करते हैं और आपस में अपना हिस्सा भी डालते हैं उसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें अभी उन्होंने बताया कि वो एक रोज़े की रोज़ेदार जो होता है ज़्यादा सुबह से सहरी में उसने रोज़ा किया होता है, पूरे दिन कुछ नहीं खाता तो मुझे स्मेल सी आती है। तो उसका हमारे यहाँ पर एक हदीस है, मैं उसे कोट कर देता हूँ कि उसमें कहा गया है कि वो जो उस रोज़ेदार की मुँह की जो बदबू होती है ना, जो उस वक्त क्योंकि ज़रा आप मुँह काफ़ी देर बंद पड़ा हुआ है, कुछ खा रहे पी रहे कुछ वो नहीं कर रहे, तो एक थोड़ी सी स्मेल्स हो जाती है उसके अंदर। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जन्नत की एक मुश्क होती है, उससे ज़्यादा खूबसूरत उसकी खुशबू में बदल जाएगी जब भरोसे क्या जब से हमें जो उसका अजर मिलेगा। तो उस जो बदबू का, उस बदबू का बाद में उसका अल्टरनेट हो जाएगा कि वो एक मुश्क के अंबर में बदल जाएगी वो ना। तो इतनी खूबसूरत यानी कि अल्लाह को वो स्मेल रोज़ेदार की इतनी पसंद है कि उस खुशबू से ज़्यादा उसमें लगती है। तो बहरहाल ये तो एक मज़हबी वो था, तो सबको रोज़ा रखना चाहिए। और रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपने इबादत कर रोज़ा रख लिया और ऐसे में पड़े हुए कर रहे हैं, नहीं, आपको ये एहसास दिलाने के लिए जो हमसे गरीब लोग हैं, जो जिनको पेट भर कर एक वक्त का खाना नहीं मिलता, ऐसे हमारे दूर इलाकों के अंदर हमारे जो हमारे पास लोग काम करते हैं, मजदूर होते हैं,
हमें उनका भी एहसास करना चाहिए कि वो धूप के अंदर किस तरह मेहनत काम कर रहे हैं। तो अगर रोजे से वो अगर वो है तो उनका एहतराम करें, उनको कुछ रिलैक्सेशन दें, उनको धूप में उनको मना कर दें काम करने से, तो उसमें वो आप भी शामिल हो जाएंगे। और लोगों को अफ्तार करवाएं और लोगों को राशन बांटें, ये भी हमारे उसके अंदर है, तो वो भी करना चाहिए हमारे को। बिल्कुल, जैसे कि इस वीडियो में जैसे जाकर वगैरह बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया कि हमारे तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी दोस्त वगैरह हम सब मुसलमान ही होते हैं, तो सबके रोज़े होते हैं, लेकिन जिस तरह इसमें खूबसूरती दिखाई कि मुख्तलिफ लोग जिनके रोज़े नहीं होते वो अच्छी बात होती है वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो ख्याल एहसास करने की कोशिश करते हैं। और एक और बात कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं होता, रोज़े में हर एक चीज़ कि आपको अपनी जो आप हम नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत आसानी बासानी कर सकते हैं वो चीज़ें, हमें उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो यकीनन इंशाल्लाह अगले जो 30 दिन हमारे वो बहुत अच्छे गुजरेंगे और हम जो भरपूर इस महीने का फ़ायदा उठा पाएँ, और आप सब भी रोज़े रखिएगा। और आज हमारी तरफ से एक वीडियो थी और इंशाल्लाह फिर ईद की खुशियाँ भी मनाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।